हाय एवरीवन, पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि काफी टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारी कमेंट्स भी आई है, लेकिन मैं अभी आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा बिजी था शेड्यूल में। तो ये जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर के लिए है और काफी आपके रिप्लाईज भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, के इस चैनल को लेके। तो उसके लिए थैंक यू। और ये चैनल का जो बनाने का मेन रीज़न यही था कि जो भी फ्रेशर है, जो लोग जिन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उनको गाइडेंस मिले और उनको हेल्पफुल हो, क्योंकि उनको पता नहीं होता कौन सी बुक पढ़े, कौन सी एग्ज़ाम के लिए कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से प्रिपरेशन करें। तो उनको कोई क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर आप देखें कि अहमदाबाद है, गांधीनगर है, बड़ौदा है, जो बड़े सिटीज हैं, वहाँ पे तो काफ़ी अवेयरनेस है लोगों में और काफ़ी कुछ नॉलेज है उनको। जब भी मैं एग्ज़ाम देने, मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत बार अहमदाबाद एग्ज़ाम देने के लिए जाता था, तो वहाँ के जो भी लोकल लोग होते हैं उनको ज़्यादा अवेयरनेस होती है। गांधीनगर के लोग होते हैं, अहमदाबाद के लोग होते हैं कि कौन सी एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस आएगा, मतलब कौन सी बुक में से पढ़ना है, कौन सी अच्छी बुक्स है और कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उनके पास अच्छा नॉलेज रहता है, अवेयरनेस रहती है, वहाँ पे क्लासेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ये जो चैनल का बनाने का उद्देश्य यही था कि कोई रिमोट लोकेशन में रह के भी, अगर मेरी बात करूँ, मैं द्वारका से बिलोंग्स करता हूँ, वहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रहा था जब मैं आईटीआई में जॉब करता था एज ए इंस्ट्रक्टर। तो मेरे पास ज़्यादा गाइडेंस नहीं था उस टाइम पे कि कैसे प्रिपेयर करना है। मैं तो बस अपने एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर आप कोई रिमोट लोकेशन में रह के भी आप जॉब करते करते भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको कोई भी क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस तो इससे मिल जाएगा और आपको ये हेल्पफुल होगा अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो। और एक बार आपने अगर पेपर देना शुरू कर दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना शुरू कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी बुक यूजफुल है। तो ये जो वीडियो है मैंने इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर के लिए बनाया, कि मैंने इससे पहले कहा था कि मैं उसके पेपर, जो पुराना पेपर है, वो अपलोड करूंगा। जो विद्युत पैटर्न निरीक्षक है, उसमें उसका पैटर्न के बारे में मैंने बात की थी। तो अब मैं ओल्ड पेपर के बारे में बात करता हूँ। मैं जो ये पेपर अपलोड कर रहा हूँ वो जीपीएससी का है, इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर का पेपर है। तो जीपीएससी में जब मैंने ये पेपर ऑनलाइन चेक किया, लेकिन ऑनलाइन मुझे कहीं मिला नहीं, तो मेरे पास जो पेपर था उसका मैंने अपलोड, मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पहले, इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। ये पहली बात, इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर का, जो इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर का पेपर नहीं है, ये असिस्टेंट इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर का, ये इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंस्पेक्टर का ये पेपर है जीपीएससी का। तो लगभग लगभग दोनों का पैटर्न लगभग सेम रहना चाहिए, लेकिन ये जो पेपर था वो जीपीएससी का था और आपका जो इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर है वो गौण सेवा कंडक्ट कर रही है, जीपीएससी कंडक्ट नहीं कर रही है। और जीपीएससी का जो मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ वो सिर्फ बी वालों के लिए था उस टाइम पे, डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं थे इस एग्जाम के लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के लिए। और आपका जो पेपर है गौण सेवा जो कंडक्ट कर रही है, जो आपका जो है विद्युत पैटर्न निरीक्षक, वो पेपर में डिप्लोमा वाले और बी वाले दोनों एलिजिबल है। तो मतलब आपका जो टेक्निकल होगा वो बी, इससे जो मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ उससे कम होगा, मतलब उसका जो टेक्निकल का जो लेवल होगा वो डिप्लोमा लेवल के आजू बाजू रहना चाहिए, जो विद्युत पैटर्न निरीक्षक का जो भी एग्जाम होगा। तो ये जो पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ उससे एक फायदा आपको ये होगा, इसमें नॉन टेक्निकल आपको जानने के लिए मिलेगा कि नॉन टेक्निकल में क्या क्या, जीपीएससी का जो पेपर है उसमें नॉन टेक्निकल पूरा दिया हुआ है, तो आपको नॉन टेक्निकल के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, गुजराती व्याकरण है वगैरह सब कुछ है उसमें, आप देख लीजिएगा, भूगोल, इतिहास और रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह सब है उसमें। 100 क्वेश्चंस पहले जो है, फर्स्ट 1 to 100 क्वेश्चंस है वो नॉन टेक्निकल है पूरा। उसके बाद जो 100 से 200 क्वेश्चंस है वो पूरा टेक्निकल है। तो टेक्निकल में इसका जो पेपर का अपलोड करने का सबसे अगर इम्पोर्टेंट जो है इसमें पेपर में, वो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। अगर आपको, अगर 90 मार्क्स का आपका टेक्निकल है, तो मुझे लगता है 10 से 15 मार्क्स का इसमें, या 8-10 मार्क्स का तो मिनिमम इसमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स से होना चाहिए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में क्वेश्चंस होने चाहिए, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है उसके बारे में होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स
1956 के बारे में कुछ होना चाहिए, या गुजरात इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, या 10 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली इतना वेटेज का इस पेपर में जो ये रूल्स है, जो सारे इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स है उसके बारे में कुछ होना चाहिए। अगर आप भी पेपर देने जाओ तो आपको ये ना लगे कि ये क्या पूछ लिया है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये आपको इसी अवेयरनेस, इस बात की अवेयरनेस के लिए मैंने ये पेपर अपलोड कर रहा हूँ कि आपको जब पेपर देने जाओ, अगर मानो कि आप 10-12 मार्क्स का ये अगर पूछा जाए रूल्स के बारे में, और आप 5-6 मार्क्स का अगर उसमें से अटेंड कर लो अच्छा, तो वो बढ़िया है आपके लिए। बाकी आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स अगर आप PDF डाउनलोड करोगे, उसमें 70-80 पेज का PDF रहेगा, आपको ये लगेगा कि कैसे इसको पढ़े। तो इसीलिए मैंने ये पेपर अपलोड किया है कि आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से, अगर आप टेक्निकल पोर्शन देखोगे 100 to 200, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। सब क्वेश्चंस आप देखोगे पता चलेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 उसके क्वेश्चंस है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 का ये जो एक्ट है उसके बारे में क्वेश्चंस है, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 उसके बारे में क्वेश्चंस है, इसमें एनर्जी ऑडिट के बारे में है, टैरिफ के बारे में है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन उसके बारे में है, और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, इन 4-5 टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस हैं। 8-10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली है इसमें, 100 क्वेश्चंस में से 10-12 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे इस इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2003, 1956 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में, और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के बारे में। तो ये आपको हेल्पफुल होगा, और आप ऐसे क्वेश्चंस आपको वेबसाइट पे भी, कोई वेबसाइट पे से भी मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा इससे प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपको ये टेक्निकल में ये फायदा होगा। 8-10 मार्क्स का वेटेज होगा, तो आप मानो कि 10 या 12 मार्क्स का वेटेज हो 90 में से, और आप 5-6 मार्क्स का अटेंड कर पाए, अगर करेक्ट अटेंड कर पाए, तो ये बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।